इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए। एनईएफटी बहुत पुराना तरीका है पैसा ट्रांसफर करने का। और इसमें क्या है कि बैचेस में ट्रांसफर होते हैं, मतलब आप जो ट्रांसफर करोगे उसके अकाउंट में फॉरन नहीं पहुंचेगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ट्रांसफर जब जमा हो जाएगा आरबीआई के पास तब ये ट्रांसफर हो जाएगा उसके अकाउंट में। अब लिमिट की बात करें तो इसमें लिमिट जो है ये 25 लाख रुपए तक की होती है, लेकिन रिकमेंडेड है कि कम ही अमाउंट आप उसमें ट्रांसफर करें। सबसे अच्छा बेनिफिट इसमें ये है कि अगर आपने गलत ट्रांसफर कर भी दिया तो आप रिवर्स करा सकते हैं, अगर बैंक के थ्रू से आपने किया है तो, या अगर आपने खुद भी किया है तो बैंक जाकर उसे कह सकते हैं कि ये ट्रांसफर गलत हो गया, आप रिवर्स कर लीजिए। अब ट्रांसफर में कुछ चार्जेस लगते हैं, तो चार्जेस की बात करें तो ये अमाउंट टू वेरी करता है और बैंक टू बैंक वेरी करता है। कुछ बैंक तो ऐसा करते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, और अगर बैंक आकर ट्रांसफर कराइएगा तो चार्ज लेंगे। तो ये अमाउंट टू अमाउंट बैंक टू बैंक डिफर करता है। पहले क्या होता था कि केवल वर्किंग आवर्स में एनईएफटी काम करता था, उसके अलावा नहीं करता था, लेकिन अब जो है आरबीआई ने कर दिया कि ये 24 घंटे काम करता है, 24/7 कभी भी आप ट्रांसफर कीजिए, बैचेस में ट्रांसफर होता है, जैसे ही एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड हिट होता है ट्रांसफर हो जाता है। तो कुछ वक्त लगता है, ऐसे घंटे दो घंटे कुछ लगता है। तो इस तरह के और वीडियोस को जानते रहने के लिए हमारा चैनल जो है ये सब्सक्राइब कर लें।